हम लोग बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस टाइगून, एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइगून, एक ऐसे दूरदृष्टि वाले जिनको बोला जाता स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे इस दुनिया का महंगा घर खरीद कर दिखाया है। एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज हुए हैं उनके पास, और बिजनेस स्ट्रेटेजीज टाइगून मतलब बड़ा है, बिजनेस करा है उन्हें स्टील का नंबर वन, मतलब स्टील किंग बोला जाता है उनको, इतना ज़्यादा बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करा है। तो दोस्तों वो ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे सुपर स्ट्रेटजीस बिजनेसमैन, एक ऐसे बिजनेस टाइकून स्ट्रेटजिक्स कौन है, ऐसे बिजनेस टाइकून ऐसे शख्सियत, एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने अपना एक दर्जा बनाया जिसका नाम है स्टील द वर्ल्ड स्टील किंग। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे आदमी के बारे में बात करना है। 57% ऑफ द, मतलब आप समझ लो कि 57 जो है, 57% जो स्टील होता है, जो मतलब यूएस है ना, उधर कितनी सारी गाड़ियाँ बनती, तो उधर 57% जो स्टील में यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कंपनी से आता है, आर्सेलर, क्या नाम है, आर्सेलर स्टील, या फिर आप इनको बोल सकते आर्सेलर मित्तल, ठीक है, आप कल के सुनील भारती मित्तल मत समझना। आज हम लोग बात करने वाले स्टील किंग के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं स्टील किंग के बारे में। तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, और फिर उसके बाद क्या है, तो दोस्तों 2005 में वो थर्ड रिचेस्ट आदमी थे वर्ल्ड के, क्या थर्ड रिचेस्ट आदमी थे वर्ल्ड के, बाकी सब गए, जेफ बेजोस सब लोग गए, थर्ड सबसे ज़्यादा थे। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2011 के अंदर वो 10th रैंक पे थे, और अभी वो 2015 में वो आए थे शायद से 21वीं रैंक। फिर भी वो बहुत ही अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरह, टाइकून बिजनेस करने के हमेशा सोचते हो, बड़ा बिजनेस करने के सोचते हैं। तो ऐसे आदमी कौन से, ऐसी पर्सनालिटी, कैसे शख्सियत, तो दोस्तों उनकी जो कंपनी है उसका आप सोच रहे होंगे कि उनकी कंपनी का नेटवर्थ बताएंगे, स्टार्टिंग जब करते हैं वो बर्थ करते, पर अभी मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उनकी खुद की नेटवर्थ कितनी है, आप सोच रहे होंगे $7.4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी नाम बाद में समझेंगे, ठीक है, इसके बाद हम उनके पॉइंट समझेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग 5 मिनट तक इनका इंट्रोडक्शन देंगे, या हो सके तो 7 मिनट तक, ठीक है। तो दोस्तों ये इतने बड़े पावरफुल थिंकर है कि ये बहुत सारी कंपनीज जो है उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिससे कि उनको प्रॉफिट हुआ है। और मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसी कंपनी जो वॉचेस बनाती थी, स्मार्ट वॉचेस, क्योंकि आपने सुनी होगी एप्पल की वॉचेस, तो ऐसी सब वॉचेस बनाती थी, वो हर दिन हर महीने उनको $1 मिलियन का लॉस हो रहा था। और वो आए तो फिर उनको हर साल $379 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब आप समझ लो कि उससे थोड़ा कम, मतलब कि कितना छोड़कर, 378 मिलियन छोड़कर, वो जो है 378 मिलियन छोड़कर जो है, मतलब 378 मिलियन छोड़कर उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मतलब 1 मिलियन हर दिन घट रहा था, हर महीने, सॉरी, है ना। और फिर देखा आपने कि कैसे हर साल ग्रो करने लगा, तो ये भी है उनका। और वो जो है वो बहुत ही अच्छे बिजनेस टाइकून हुए हैं, और उन्होंने सबसे बड़ा घर खरीदने की उन्होंने कोशिश करी है, और उनको सबसे बड़ा घर मिल भी गया है, वो है ब्रिटेन में। तो दोस्तों हम लोग इन टाइकून बिजनेसमैन, इन इतने अच्छे टाइकून बिजनेसमैन स्ट्रेटजिक्स, या फिर आप बोल सकते हो इनको बिजनेस स्ट्रेटजिक्स, बड़ा बिजनेस जो करने की उनकी कोशिश है, बड़ा बिजनेस करने की कोशिश है उनकी, तो और उन्होंने करा भी है। तो दोस्तों ऐसे कौन से आदमी हैं, ऐसे कौन से विचारधारा, ऐसे कौन सी
पर्सनली स्ट्रेटेजिकली कॉन्सेंट्रेटेड उनका दिमाग है तो कौन सा आदमी। तो दोस्तों जब भी हम लोग स्टोरी में आगे जाते हैं, जब हर मैं वीडियो में आपको उनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि वो स्टील करेंगे, उनको क्या बोला जाता है, और वो 70 मतलब मैं आपको अभी फटाफट पॉइंट्स बता देता हूँ क्या है कि उनको स्टील किंग बोला जाता है, और फिर उसके बाद वो 57% ऑफ कार स्टील यूएसए का हैंडल करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो वर्ल्ड में रिचेस्ट पीपल में 2005 में थर्ड रैंक पे थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके बाद 2011 में वो 10th रैंक पे थे, और फिर उसके बाद 21वें रैंक पे कब थे वो 2015 को, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद भी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है कि वो जो है उनकी कंपनी, उनकी खुद की नेटवर्क कितनी है। आप सोच रहे होंगे उनकी नेटवर्थ होगी, मैं बताता हूँ, ठीक है, $7.4 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी उनके बर्थ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उनका बर्थ 15 जून, मतलब आप समझ लो मेरा 26 जून को बर्थडे होता है संडे के दिन, तो वो मुझसे मतलब 11 दिन आगे है, वो मुझसे 11 दिन आगे है, तो इसलिए उनका 15 जून को। 15 जून कब ईयर तो होना चाहिए, 2014 में हुआ, तो वो हुआ है 1950 में, वो उनका बर्थ हुआ है 1950 के अंदर। तो दोस्तों और आप सोच होंगे कि उनके फैमिली के अंदर दो चार भाई बहन होंगे, तो मेरा कोई भाई बहन नहीं, कज़न्स है, तो बहुत सारे भाई बहन लोग हैं। दोस्तों आप ये समझिए कि उनके 3 भाई बहन नहीं है, 5 भाई बहन नहीं है, 10 भाई बहन नहीं है, 15 भाई बहन नहीं है, 20 भाई बहन नहीं है, 25 भाई बहन है, 25 उनकी जो है फैमिली में उनके भाई बहन है, ठीक है। 12.5 उनके भाई है, 12.5 उनके गर्ल कजन्स है, तो ये हो गया। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, तो चलिए उनका नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो भी था मतलब स्टील के ये सब जो चीज़ें बोल रही थी, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, टेंथ रैंक, ये सब जो थी, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजिक, एक ऐसे टाइकून के बारे में ये इंट्रोडक्शन था। तो कौन से टाइकून बिजनेसमैन है, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों उनका नाम है क्या, लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान होती है, और कल के सुनील मित्तल सर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी मित्तल उनका नाम है, लक्ष्मी मित्तल सर बहुत ही अच्छे बिजनेस टाइकून, स्ट्रेटेजिक टाइकून है, जिन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह क्रिएट करा है, स्टील का, उनको बोला जाता है स्टील किंग, स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या है, आप सोच रहे होंगे इसके बाद कि आप सोच रहे होंगे कि इनके जो फादर है उन्हें बिजनेस किधर करा होगा, तो इनके फादर ने बिजनेस मतलब इनके फादर जो थे वो भी स्टील में ही थे, स्टील मिल चालू करी थी कोलकाता के अंदर, तो स्टील मिल चालू करी थी। फिर उसके बाद ये स्टील मिल चालू करने के बाद उनके जो फादर है ना, तो इनके जो फादर है वो बहुत ही अच्छी तरह अपना जो है बिजनेस करते गए, उनको भी आता था, मतलब उनको भी लगता था मुझे भी बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज अ गुड थिंग, और उससे लर्निंग मिलती है, और वो है भी क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइकून, जैसे कि अडानी सर है, उनको कितनी लर्निंग हुई बिजनेस करने से, अंबानी सर है, उनको कितनी लर्निंग मिली, और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि एयरटेल के सीईओ सुनील भारती मित्तल, और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बहुत सारी नॉलेज मिली है, तो बिजनेस से बहुत लर्निंग मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, सो लेट्स, तो दोस्तों ये है कि वो फिर अपनी 25 भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ वो लोग जो है वो कोलकाता शिफ्ट हो गए। कोलकाता में वो जो थे वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, तो हिंदी मीडियम स्कूल में वो पहले भी पढ़ते थे जिधर वो रहते थे, है ना। वो राजस्थान के अंदर बॉर्न हुए थे, बस राजस्थान के अंदर किधर ये तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर बॉर्न हुए थे,
और वो अभी इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि ये हो गया तो वो कोलकाता में गए, पर वो हिंदी मीडियम स्कूल में गए तो उनको लगा कि मुझे अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के लिए किधर गए, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा सेंट जेवियर, तो सेंट जेवियर जा रहे थे। तो सेंट जेवियर जो है वो बहुत ही अच्छा जगह है जिधर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, शायद से कैलिफोर्निया में, परफेक्ट तो नहीं पर यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर, ठीक है, तो यूएसए के अंदर है। फिर उसके बाद क्या है, तो दोस्तों यूएसए के अंदर के बाद क्या है, शो के अंदर है सिंपल। उसके बाद दोस्तों ये है कि वो यूएसए में सेंट जेवियर के लिए गए, पर उनके जो मास्टर है, मास्टर में बोला तुम दो बार तीन बार हर एक स्कूल में 12th तक तुम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो फिर तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे आओगे। तो फिर वो उनको टच हो गई, फिर उन्होंने कैसे भी कर हर दिन टकटका कर उनके प्रोफेसर को बोला मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इतना बोलते गए। फिर वो इतनी ऊंचाई पे पहुँचे, फिर उनके प्रोफेसर ने बोला, सोचा उन्होंने ठीक है तो फिर तुम ले सकते हो एडमिशन। तो उनको एडमिशन दिया, उन्होंने एडमिशन लिया। फिर उसके बाद क्या, एडमिशन लेने के बाद उन्होंने सोचा अभी तो ये बचा था, मतलब अभी तक तो ये बचा था उनको साबित करना कि मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेज तो उनका हो गया कि उनको कैसे भी करके पटा लिया सर को कि मैं एडमिशन ले लूँगा सेंट जेवियर स्कूल में। उन्होंने एडमिशन ले भी लिया, ठीक है, ले लिया। उसके बाद उनको ये साबित करना था कि मुझे टॉपर आना है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी टॉपर कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने जी जान रातों दिन मेहनत की, 25-25 घंटे बैठते थे, एक दिन एक आर बैठते थे, वो इतना पढ़ाई करते थे, इतना हार्डवर्क करते थे जिससे कि वो हमेशा टॉपर आते थे। और उनके द्वारा सेंट जेवियर जो स्कूल है बाद में जाकर उनको उन्होंने अवार्ड भी दिया, अचीवमेंट अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया, अचीवर अवार्ड, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी लोग होते हैं वो बोलते हैं, तो वैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी इतना कठिनाइयाँ हुई थी फिर मैं टॉपर आया था, ये सब उन्होंने कौन सी न्यूज़ में बोला, NDTV। हाँ, NDTV एक चैनल है जिधर उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो चलिए नेक्स्ट भी समझते हैं। तो दोस्तों वो जो था अपने फादर के बिजनेस में थोड़ा इंटरफेयर करना चालू करें, को थोड़ा उनका बिजनेस समझ आया, साइकोलॉजी से माइंड से उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और फिर वो जो है वो धीरे धीरे उनका जो बिजनेस है उनमें जाते गए और बिल्कुल अच्छी तरह अपने जो स्ट्रेटेजिक माइंड है वो स्ट्रेटेजिक माइंड जो है वो बिल्ड कर देगा। उनके जो स्टील मैन है उसमें सब चीज़ समझ गए थे कि उसको कितना ब्लाइंडली फोल्ड करना है, कि जैसे कि स्टील होता है उसको रोल करके बेहतर स्टील कंपनी के वो खुद बना लेती है, तो उसको रोल कैसे करना है या फिर उसको शेप कैसे होता है, वो बनता कैसे, कितना आयरन डाला है उसमें जिससे कि वो उसमें शेप हुआ है, और ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें कि उसका शेप कितनी डिग्री पे घूमना चाहिए। जैसे कि हम लोग भागते हैं तो हमारा पैर और हाथ जो है वो 90 डिग्री पे घूमना चाहिए, तो ऐसे कितना डिग्री पे घूमना चाहिए, कैसे गोल गोल उसको भेजना है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो उन्होंने बचपन से सीख ली सेंट जेवियर कॉलेज आने के बाद। तो करने लगा, उनको सोचने लगा, जैसे कि जितनी भी मैंने टेक्निकल चीज़ बताई, उसका शेप, उसका जो हैंड मूवमेंट्स, उसका जो भी शेप है वो कैसे बनाना है, तो सब समझ गए। तो वो इंटरफेयर करने लगे, वो समझने लगे उनको साइकोलॉजी से माइंड्स, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो दोस्तों बढ़ने लगा, फिर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया उनका। कब? तो कब आया कि जब उन्होंने अपनी स्टील मिल चालू करी, पर इंडिया के अंदर वो नहीं कर पाए। क्यों?
क्योंकि जब के समय में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा जब इम्पोर्ट लाइसेंस होगा या एक्सपोर्ट लाइसेंस जब मिलेगा, जब कोई भी जो आदमी है वो मतलब क्या बोलते हैं वो जब एक्सपोर्ट लाइसेंस ले पाएगा, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह अपना बिजनेस बिल्कुल बड़ा मतलब ऊपर ले जाए, उनको ज़्यादा समझ रहे हैं, जब ही वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया कि वो अभी आप समझ अभी आप सोचोगे कि उन्होंने किधर चालू करा होगा, कि आपने सुना आपको लग रहा होगा यूरोप में चालू करा होगा, ब्रिटेन में चालू करा हो, US में चालू करा हो, कैनेडा, रशिया, चाइना में तो नहीं, पाकिस्तान में नहीं, आप सोचोगे ब्राज़ील में, नहीं दोस्तों उन्होंने अपने चालू करा इंडो में। आप सोचोगे इंडो मतलब इंडिया, इंडो पाकवार नहीं, इंडो मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है उधर उन्होंने चालू करी किस नाम से, स्पार्क फेंकना, स्पार्क इंडो S से स्टील, ठीक है, स्पार्क इंडो उसका नाम रखा, तो ग्रो करने लगी बहुत तेज़ी से, वो आसमान छूने लगी, आसमान छूना तो बहुत इम्पॉसिबल है, पर मैं मतलब ग्रोथ जब होती है जब बोलते हैं आसमान छूना, तो धीरे धीरे बढ़ने लगी उनकी कंपनी, और इतनी तेज़ ग्रो की, इतनी तेज़ बाउंस बैक करी, वो बाउंस बैक तो नहीं पर वो ग्रो बहुत तेज कर दी, और फिर वो बहुत ही अच्छी कंपनी बन गई। ठीक है दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि स्पार्क्स इंडो हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सब करते हैं, इतना सब चीज़ें हैं, इतना पैसा कमाते हैं, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट फोर्ट खरीद लिया, सबसे रिचेस्ट जो है मतलब घर खरीद लिए उन्होंने, हाउस जर्मनी नहीं सॉरी ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन पाउंड्स के अंदर, और APJ अब्दुल कलाम रोड पे भी उन्होंने खरीदा एक इंडिया के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे जगह है तो वो किधर इन्वेस्ट भी करते होंगे या वो देते भी होंगे, तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। तो दोस्तों वो जो है वो सेवा भी करते हैं, स्पोर्ट्स फाउंडेशन बनाया उन्हें लक्ष्मी या आप समझ सकते हो मित्तल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, ठीक है, मित्तल स्पोर्ट्स फाउंडेशन उनका नाम है, ठीक है। तो वो सेवा भी करते, कैसे सेवा ऐसे करते हैं कि वो कैसे, तो चलिए समझते हैं, सेवा ऐसे करते हैं कि उनकी एक मतलब उनकी एक कंपनी नहीं, उनकी मतलब फॉरेन एग्जांपल आप ये समझ लो, हाँ, कि उन बहुत सारी कंपनी है दुनिया में जो कि बहुत ही लॉस हो रही थी उस टाइम, तो उस एक कंपनी को कोई नहीं खरीद पाया, कोई जो था वो उसको ठीक ही नहीं कर पाया, उन सारी कंपनी को ऊपर ले ही नहीं पाया। उसमें से एक कंपनी है वो बनाती थी सिंपल वॉचेस समझ लो, तो सिंपल वॉचेस जो होती है वो करने लगे धीरे धीरे, है ना, स्मार्ट वॉचेस जो होती है वो करने लगे, उनका अच्छा लगा, पर एकदम से उनके लिए लूज़ मोशन आ गई, लूज़ मोशन मतलब वो बीमारी मत समझना, लूज़ मोशन मतलब वो लूज़ होने लगे, अपना बिजनेस, अपना मनी जो ना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू, अपनी सेल्स सब लूज़ करने लग गए। तो फिर उनको हर महीने $1 million $1 million को उनको घाटा हो रहा था, तो सोचे $1 million तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने सोचा कि $1 million इतना ज़्यादा होता है तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग इसमें पैसा देते हैं, इन्वेस्ट मतलब पैसा आप समझ रहे हो, दूसरा पैसा मतलब कि इन्वेस्ट ही करना है इस मतलब, ठीक है, दूसरा पैसा नहीं इन्वेस्ट इस मतलब, ठीक है, हाँ। तो वो इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट उन्होंने, तो धीरे धीरे करने लगे इन्वेस्ट, कर लिया उन्होंने इन्वेस्ट, और फिर इतनी ज़्यादा ग्रोथ,
इतनी ज्यादा ग्रोथ कभी किसी ने नहीं सोची जो जर्मनी की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, यूएसए की कंपनी, स्पेस की कंपनी, कनाडा की कंपनी, यूएस की, रशिया की, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो नहीं कर पाई, वो इस अकेले कंपनी ने कर दिया, वो स्टील किंग ने कर दिया। तो दोस्तों वो क्या करा कि 1 मिलियन का हर महीने प्रॉफिट घट रहा था, मतलब लॉस हो रहा था, और अभी हर साल उनको 379 जो होता है मिलियन डॉलर्स का उनको हर साल प्रॉफिट हो रहा था। इतना है, इतना उनकी स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी है उनकी। कौन? लक्ष्मी मित्तल सर, जो इतना अच्छे है, इसलिए मैंने उनके लिए इतना बड़ा 7 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाया, जिसका नाम दिया मैंने लक्ष्मी मित्तल सर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद यह है कि कौन सा टॉपिक है अभी, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने 13 टॉपिक। तो 13 टॉपिक कौन सा है, 13 टॉपिक ये है कि उनको मतलब सेंट जेवियर्स जो है, जेवियर्स उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट जेवियर्स जो है उन्होंने उनको पद्म भूषण नहीं दिया। आप मत समझना कि इतने बड़े बड़े अवार्ड दे दिए इंडिया के उनको, मतलब कि उनको क्या मिला, सेंट जेवियर स्टडी अचीवर अवार्ड, क्योंकि स्टील किंग जब बोले जाते थे ना, जब उनको ये दिया पर्सनली, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी 2 कंपनी थी जो स्टील बनाती, एक तो उनके फादर की जो कंपनी थी और उनकी जो कंपनी थी स्पार्क इंडो, तो फिर उन दोनों को मर्ज कर दिया। और फिर एक कंपनी थी तो उसका नाम था आर्सेलर, आर्सेलर को खरीद लिया, तो उससे स्टार्ट हुई उनकी कंपनी का नाम आर्सेलर मित्तल। तो दोस्तों ये हो गया, मैंने आपके लिए 17 पॉइंट्स बनाए, ठीक है। तो अभी शायद से कितने पॉइंट्स हो गए, 14 पॉइंट्स हो गए, तो अभी 3 पॉइंट्स और बचे, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये है कि वो जो है वो, मतलब आप समझ रहे हो, इतना सब करते हैं, उनके पास कुछ अच्छी तरह अचीवमेंट भी होने चाहिए। आप सोचते होंगे उनके पास कुछ घर होना चाहिए, फिर उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि मुकेश अंबानी का 2nd लार्जेस्ट घर है, सबसे नंबर 1 बिगेस्ट बिल गेट्स का है, मालूम है बिल गेट्स का। तो आप सोचे होंगे इतना सारा, इतना ज़्यादा, आप सोचे होंगे इतना, वाह वाह इतना, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मतलब इनका भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है या फिर उनके पास कार होती है, जैसे कि मुकेश अंबानी के पास पूरा बक्सा पड़ा हुआ है कार्स का, रॉल्स रॉयल, सारी बड़ी बड़ी जो है, वैसे उन पर मैं बात नहीं करता, सारी बड़ी बड़ी कार्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही है, उनके पास एक प्रॉपर्टी है। क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, आपने सुना नहीं होगा, फिर भी मैं आपको वापस बता दूं कि क्या, ठीक है, मतलब वो जो है उनके पास वर्ल्ड, क्या, वर्ल्ड रिचेस्ट होम कितने का है, सुनेंगे 3,732 मिलियन, नहीं उनका है 9,379 मिलियन, मतलब 1 करोड़ हो, करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ 10, मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा है उसकी प्रॉपर्टी की। तो इतना उनके पास है वो है पैसा। तो फिर दोस्तों पैसे से ही नहीं होती, उनके पास पावर भी है और लोगों को डोनेट भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो डोनेट भी करते हैं, पर आज तक मैंने उनका कुछ डोनेट का समझा नहीं है। तो आपने, मतलब बहुत सारे लोग सुने होंगे, जैसे बड़े बड़े लोग जो, जैसे बॉडी बिल्डर मैरी कॉम सुना होगा, मैरी कॉम बॉडी बिल्डर ही, वो बॉक्सर है, बॉक्सर मालूम है ना आपको, मैं मुझे भी बॉक्सिंग आती थी, ठीक है, मतलब आती है, तो बॉक्सिंग करती हो तो मैरी कॉम या कोई भी बड़े बड़े होते, तो उनका जो है स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता था स्पोर्ट्स। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सच में बहुत अच्छा लगता था उनका स्पोर्ट्स, तो उन्होंने बोला मुझे इतना अच्छा स्पोर्ट्स लगता है, तो मैं एक काम करती लक्ष्मी से मुझे लगा करती तो करता मैं करता हूँ कि
मैं मुझे स्पोर्ट्स पसंद है क्योंकि उनको क्लैरिटी थी कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद, तो मैं एक काम करता स्पोर्ट्स का ही एक फाउंडेशन बना देता। तो दोस्तों जब से ही क्या चालू हुआ, जब से चालू हुआ मित्तल, क्या मित्तल हॉस्पिटल मत समझना, मित्तल स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो आपने सुना होगा फुटबॉल, सुना होगा फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सुना होगा, टेबल टेनिस सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा यो वेट लिफ्टिंग सुना होगा, या फिर आपने हॉकी सुना होगा, और आपने क्रिकेट सुना होगा सचिन तेंदुलकर, या फिर आपने सुना होगा रोनाल्डो, या फिर आपने सुना होगा मैसी। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी तो स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करता हूँ, तो उन्होंने सोचा मेरी कॉम तो जीत गई है तो मैं उनको लिए हेल्प कर सकता, तो उन्होंने सोचा कि बॉडी बिल्डर का हेल्प करते ना ही, वो भी कर लेते क्योंकि उनको उतना था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा क्रिकेट में, उनको वो भी पसंद नहीं था, उन्होंने सोचा फुटबॉल में, तो उनको लगा फुटबॉल में भी अच्छा नहीं है, उनको लगा क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में भी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि कौन सा मैं करूँ। तो तीरबाजी में उनको लगा जो नीरज चोपड़ा है ना, पर फाइनली वो आर्चरी पे, आर्चरी वो होते हैं ना त्रिशूल फेंकते ऐसे, आर्चरी। तो आर्चरी में जो अभिनव है, जिन्होंने तीन, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडल लाए हैं आर्चरी के अंदर, तो उनको प्राइस के जैसे फाउंडेशन जो है वो उनको पैसा दिए, कितना आप सोचोगे, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 100 लाख, 100 लाख तो नहीं लगता, उसके बाद आप सोचोगे कि 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़, हाँ उनको उनको उन्होंने दिया 2.5 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, तो उनको उन्होंने उधार के जैसे 2.5 करोड़ दिए। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं अपने 17th पॉइंट पे, वो क्या है 17th पॉइंट है दोस्तों, वो मैं आपको 27 मिनट एंड 20 सेकंड्स पर बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, मैंने आपको 16 पॉइंट्स बताए, एक सेकंड मुझे काउंट करने दो, हाँ कि मैंने आपको 16 पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो दोस्तों 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो इन 16 पॉइंट्स में जो भी आपको सीखने के लिए मिला आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ चीज़ इसमें रह गई हो, इस वीडियो में रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप इसके नीचे एक वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग मैं आपके लिए वापस वो वाला वीडियो बना दूँ अगर कोई गलती है इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं गोइंग इंट्रोडक्शन, गोइंग इंट्रोडक्शन क्या है, तो दोस्तों मैंने आपके लिए कौन से वीडियो बना, मैं भूल गया, मैं हर दिन ये बोलता हूँ, तो मैंने आपके लिए बनाए विप्रो पे, मैंने आपके लिए बनाए इन्फोसिस, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन IT सेक्टर इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया इन्फोसिस, उसका TCS फर्स्ट लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन IT सेक्टर कैपिटलाइजेशन है इंडिया, फिर उसके बाद क्या है, और फिर मैंने किसके ऊपर बनाया HCL फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन IT सेक्टर कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, और फिर उसके बाद क्या है, वैसे तो ये इन सारी कंपनीज के बहुत बड़ी बड़ी, ये आपने सुना होगा TCS की फुल फॉर्म आपको मालूम है क्या है, आप बताओ मुझे, TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, HCL की फुल फॉर्म क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मैंने आपके ऊपर क्या बनाया, आपके लिए मैंने आपको बनाया महिंद्रा के ऊपर, और फिर मैंने एक बुक की रील भी डाली थी जिसका नाम है इकागाई, इकागाई जापानीज़ बुक है जो कि बहुत ही अच्छी है, आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ माइंडसेट है उसको भी अच्छी तरह वो ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ाएगी। फिर उसके बाद मैंने एक इसके ऊपर बनाया था राधा कृष्ण दमानी सर, वो मेरा रिकॉर्ड बना था दोस्तों, वो मेरा रिकॉर्ड 2 दिन पहले शायद से मैंने बनाया था, तो वो मेरा रिकॉर्ड बना था दोस्तों 33 मिनट का, और उसका कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड तोड़ दिया, कितना 33 सेकेंड 33 मिनट एंड 14 सेकेंड्स,
का मैंने कल रिकॉर्ड ब्रेक करा और मेरा सबसे बड़ा वीडियो है। तो दोस्तों आपने उसको बहुत अच्छी तरह लाइक और व्यू भी करा। तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियो बनाते रहूँगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। या